औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नवीद नूर, पाकिस्तान का बेटा, इस कराची शहर का वारिस और सैयद मुस्तफ़ा कमाल का सिपाही, लांडी यूसी 4 से चेयरमैन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं लांडी के लोगों, क्या आपके मसाइल क्या हैं। मैं मज़ीद आपके मसाइल बताकर आपके ज़ख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे मुंतखब करें, डॉल्फिन के निशान पर मोहर लगाएं। बल्दियाती इंतखाबात में आपके मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ सैयद मुस्तफ़ा कमाल के पास है। आप जानते हैं कि कराची का वो बाग़ किरदार लीडर सिर्फ़ और सिर्फ सैयद मुस्तफ़ा कमाल है कि जिसने 2400 तरक्याती मंसूबे जो है बड़े कलील वक्त के अंदर 5 साल दौरे निज़ामत के अंदर पूरे किए और इस कराची शहर को सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाले शहर में शामिल किया और दुनिया के बेहतरीन बेस्ट मेयर के अंदर अपने आप को शामिल किया और इस शहर की रोशनियों को बहाल किया। मैं एक बार फिर आपके पास मौका है लांडी के लोगों, अपनी तकदीर बदलने का। तो मैं फ़ैसला करना होगा, डॉल्फिन पर मोहर लगानी होगी और ये आज आप देख रहे हैं आपके दरवाज़ों पर दस्तक दी जा रही है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें आपके दरवाज़ों पर दस्तकें दे रही हैं। कोई अपनों के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है, कोई लासानियत के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है, कोई कौमियत के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है, और अब तो रही बात मज़हब की तो हमसे मज़हब के नाम पर भी वोट मांग रहा है। लेकिन विज़न कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, इनका कोई मनसब नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इख्तदार के भूखे हैं। इन्हें आपके मसाइल से कोई गर्ज नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आसाइशों और अपने ख़ानदान की आसाइशों के लिए आपसे वोट तलब करके आपके दिए हुए मैंडेट से वो अपनी ज़िंदगियां तब्दील करने जा रहे हैं। आपने ख़ुद देखा कि लांडी यूसी 4 से ही लोग MNA मुंतखब हुए हैं, MPA मुंतखब हुए हैं, चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, काउंसलर मुंतखब हुए हैं, और आप बताएं कि आपके मसाइल कम नहीं हुए हैं। यहाँ हालिया NA 240 के अंदर आपने देखा ज़मनी इंतखाबात हुए, ज़मनी इंतखाबात का रिज़ल्ट क्या हुआ आपके सामने है लांडी के लोगों। इस बार फ़ैसला आपके हाथ में है, डॉल्फिन पर मोहर लगाएं और सिर्फ़ सैयद मुस्तफ़ा कमाल को कामयाब बनाएं। डॉल्फिन पर अगर आपने मोहर लगा दी इस बल्दियाती इंतखाबात में, तो मैं यकीन जाने मैं दिनों रात एक कर दूंगा आपके मसाइल के हल के लिए। मैं अपनी नींद हराम कर दूंगा और अपने लीडर सैयद मुस्तफ़ा कमाल के शाना बशाना खड़े होकर आपके मसाइल को हल करने में अपनी अंतक मेहनत लगा दूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है लांडी के लोगों, अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी तकदीर बदलने का। इंशाल्लाह हम सब ठीक कर देंगे। ये तारीख बदली है, ये सिर्फ़ तारीख बदली है, फ़ैसला नहीं बदला। ये सिर्फ़ तारीख बदली है, ये अज़म नहीं बदला। ये सिर्फ़ तारीख बदली है, अब तुम्हारा फ़ैसला नहीं बदला। तुम अपने फ़ैसले पर कायम रहना लांडी के लोगों, एक दिन आएगा कि तुम्हारा शहर, तुम्हारा मोहल्ला तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा और बहुत जल्द तुम और तुम्हारी आने वाली नस्लें इस बेहतर पुरसकून माहौल में ज़िंदगी गुजारेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।